गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग नहीं बना रही हैं, तो मेरा बहुत ही बिजी स्केड्यूल था, मैं इस वजह से नहीं बना रही थी। तो अभी हम कराची आए हुए हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी काम था एक, और मैंने मेकअप तक भी नहीं किया। मैंने सोचा कि नहीं, बस चेंज करते हैं और जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि कराची हमें टाइम पे पहुंचना था, एक बहुत ज़रूरी काम था हमें। और अभी मैं बाहर बैठी हुई हूँ, लाइक गाड़ी में बैठी हुई हूँ, अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो किसी काम से गए हुए हैं। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैं खुद बहुत ये ट्राई करती हूँ कि मैं खुद डेली ब्लॉग्स बनाऊँ, एक्टिव रहूँ लाइक सोशल मीडिया एप्स पे। मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग, आपका बहुत टाइम से नहीं आया है, तो बस मैं इस मामले में बहुत सुस्त हूँ। हमारा कराची का, तो हमने सोचा कि अब क्यों ना भेरिया चलें, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हम आए हुए हैं भेरिया, और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि ये कितना प्यारा और कितना खूबसूरत बना हुआ है। हे गाइस, तो अभी हम आए हैं लंच करने, और हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सुबह का टाइम है, तो हमने सोचा कि लंच नहीं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हमने अपने लिए पराठा मंगवाया है और चाय, क्योंकि सुबह के नाश्ते में तो यही खाया जाता है। और बस अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट आने का, और जैसे आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो हमारा यम्मी सा नाश्ता आ गया है, और हमने सोचा कि अभी चाय की कमी है, तो हमने अभी चाय का भी कहा हुआ है, जब तक हम अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं और चाय का भी वेट करते हैं। बताइएगा।
आप लोगों को पता है कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? अगर आपको नहीं पता है ना तो कोई बात नहीं, मैं आपको आज एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बताती हूँ कि कौन सी है, बल्कि बताती नहीं हूँ, लाइव आपको दिखाती हूँ कि मस्जिद है कौन सी। तो प्यारी और हसीन सी मस्जिद भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये क्लॉक टावर देखें कितना प्यारा बना हुआ है, उसके पीछे ही आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी। मैं इसी मस्जिद की आपसे बात कर रही थी कि बहुत ही माशाल्लाह से बहुत बड़ी ये मस्जिद ये एशिया की, और बहुत प्यारी हसीन बनी हुई है ये मस्जिद। तो गाइस ये है एशिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद जो मैंने आपको दिखाई वीडियो में, और व्यू भी आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा है। और ये तो है बेशक कि अल्लाह का घर है, तभी तो बहुत ही प्यारा होगा। इतना घूमे कि हमारी कार का पेट्रोल ही ख़त्म हो गया है, और ये तो शुक्र है कि यहाँ भेरिया टाउन में पेट्रोल पंप है, तो अब हम जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने। अच्छा गाइस, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ लिया जाए, तो मैंने ये चिप्स लिए रिफ्रेशमेंट के लिए, और मैंने ये कुछ चॉकलेट्स लिए हैं। अब हमने सोचा कि मार्ट चलते हैं, तो अभी हम मार्ट आए हैं और यहाँ पे मैंने की है थोड़ी सी शॉपिंग, और ये इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया।